ये विडियो जो है वो एक क्वेश्चन पर है विच इज़ बीग आज बाई लूसफर राइट हमारे एक टेलीग्राम चैनल है यू नो जहाँ पर हम बहुत सारे डिस्कशंस करते हैं वी गेट ऑल दीज लाइव अपडेट अबाउट तो वहाँ पर आई रिसेंटली पोस्टेड यू नो क्वेश्चन की प्लीज़ सजेस्ट कि आप किस टॉपिक पे किस क्वेश्चन पे वीडियोस देखना चाहते हैं जहाँ पे आई गेट रिक्वेस्ट ऑफ यू क्वेश्चन जिसमें से ये क्वेश्चन है मिस्टर यूसफर का अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा प्रॉपरली अगर मैं पढ़ूँ तो आई एम स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन फाइनल ईयर आई एम फ्रॉ इंग्लिश बैकग्राउंड बट आई डोंट हैव एनी वर्क एक्सपीरियंस बट आई हैवे अ वंडरफुल अकेडमिक परफॉर्मेंस आई वॉन्ट टू डू एम बी ए इन बिजनेस एनालिटिक्स फ्राम एनी आई एम्स और एनी गुड कॉलेज फॉर बेटर प्लेसमेंट्स मे आई नो द chances ऑफ माई गेटिंग सच गुड यू नो कॉलेज विद दिस अकेडमिक परफॉर्मेंस प्लीज मेक अ वीडियो ऑन दिस टॉपिक to make it clear. I think ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में कॉमन क्वेश्चन होता है कि वर्क एक्सपीरियंस नहीं है right? No work experience. यू नो अगर आप बात करो तो जितनी भी आई right from IIM फ्रॉम आई अहमदाबाद टू बैंगलोर अगर हम ब्लाकी की बात करें हम नए IIMs एम्स की बात करें हम बेबी बेबीआईम्स की बात करें तो उन सभी की वेबसाइट पर अगर आप ओपन करके देखोगे तो एक क्राइटेरिया होता है वो क्राइटेरिया कैन बी फॉर एग्जाम्पल कि उन्होंने यू नो कैट के कैट को फॉर एग्जाम्पल फोर्टी परसेंट का वेटेज दे रखा है अगर हम बात करें आपके अकेडमिक्स को राइट ट्वेंटी परसेंट एग्जाम्पल के तौर पे बात रही हूं आपके पी आई बैट को राइट थर्टी परसेंट का वेटेज दे रखा है राइट right? फाइव परसेंट वेटेज डाइवर्सिटी को दे रखा है और फाइव टू टेन फाइव परसेंट का वेटेज वर्क एक्सपीरियंस को दे रखा है तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं यू नो जो ये सोचते हैं कि मेरा आई एम्स के अंदर नहीं हो सकता बिकॉज मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है देन इन दैट केस यू आर एब्सिल्यूटली रॉन्ग राइट आप एक चीज समझो कि ऐसा नहीं है कि उन्हें हंड्रेड परसेंट चाहिए फॉर द सिलेक्शन राइट अगर आपका लेक्चर वर्क एक्सपीरियंस नहीं है और आपका अकेडमिक्स अच्छा है आपका कैट का स्कोर बहुत अच्छा रहता है देन ऑल्सो यू विल बी एबल टू मेक इट बिकॉज वहां पे कहीं कही ना कहीं एक परसेंटेज है जिसमें वो फ्रेशर्स को भी हायर कर सिलेक्ट करते हैं एंड दैट इज विद एवरी सिंगल कॉलेज ऐसा कोई भी कॉलेज नहीं होगा जहां आपको ये दिखेगा कि हंड्रेड परसेंट स्टूडेंट जो हैं राइट है, right? तो आपको पहले तो ये माइंड से एक थॉट की यू नो मेरे पास वर्क एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं टॉप के कॉलेज से नहीं क्रैक कर सकता हूँ उसको खत्म करने की जरूरत है बिकॉज दिस इज लिटरली लिटरलीग थॉट इट वर्क एक्सपीरियंस इज बेसिकली इट्स आइसिंग ऑन द केक आपके पास उसका एडवांटेज है लेट्स यू नो आप अगर लड़के हो आपको जेंडर डाइवर्सिटी का यू नोट फाइव परसेंट नहीं मिलेगा बट इसका मतलब क्या है कि क्या आप यू नो आइम्स में लड़कों का सिलेक्शन नहीं होता है जेंडर डाइवर्सिटी को फाइव परसेंट का वेटेज दैट मीन्स लड़कियों को वो फाइव परसेंट एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा बट इट रोअली रजन मीन्स कि उसका मतलब यह है कि यू you नो know, अगर आप लड़के हो तो आपको आइम्स में एडमिशन नहीं मिल सकता द सेम यू नो जो थ्योरी है वो अप्लाई होती है जब हम आई या फिर टॉप कॉलेजेस की बात कर रहे होते हैं बिकॉज आनी कॉलेजेस थर्टी परसेंट फट्टी परसेंट कई सारे कॉलेजेस में तो फिफ्टी परसेंट भी स्टूडेंट्स जो हैं वो फ्रेशर्स होते हैं जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं होता अब इसमें मैं एक और चीज ऐड कर देती हूँ अगर आपको लगता है मेरा अकेडमिक्स अच्छा है मैं कैट में अच्छा स्कोर कर लूंगा या फिर मुझे थोड़ी सी अपनी प्रोफाइल एनहांस करनी है तो उस केस में व्हाट यू कैन सिंपली डू इज आप कई सारे एनजीओ में काम कर सकते हैं

There, right? तो आप ये वीडियो अभी देख रहे हो, आप ये वीडियो देख रहे हो जो अब तक CAT का रिजल्ट है। अगर आपके दिमाग में कोई भी क्वेश्चन है, then what all colleges you can target through CAT examination? All you need to do is fill the form which is there in the description box and do not forget to like, share and subscribe. I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.